हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार हिंदुत्व और हिंदू एकता पर केंद्रित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकता की बात जोर शोर से करनी शुरू की। पीएम मोदी ने भी अपनी रैलियों में हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की, हिंदुओं को एकता की कीमत बताई और नतीजा सामने है। हरियाणा में हिंदू एकता का दांव बीजेपी के लिए काम कर गया। बीजेपी के दो सबसे बड़े चेहरों पीएम मोदी और सीएम योगी ने हरियाणा में हिंदुत्व का ऐसा डंका बजाया जिसकी गूंज से कांग्रेस पस्त हो गई। आप खुद देखिए, हिंदू एकता की बुनियाद पर बीजेपी हरियाणा में हिंदू वोट को कंसोलिडेट करके जीती है। हिंदू बटेंगे तो कटेंगे का नारा काम कर गया। पीएम मोदी की अपील का असर हुआ, कांग्रेस की जाति वाली राजनीति फेल हुई। हिंदू एकता के आगे जाति जनगणना बेअसर रहा। जम्मू में भी हिंदू एकता से बीजेपी को फायदा हुआ और जम्मू रीजन में हिंदू एकजुट हुए और बीजेपी को वहां पर भर भर के सीटें आई। हिंदुओं के लिए जो हिमाचल प्रदेश में हिंदू एकता देखने को मिली थी वो भी शायद काम कर गई। लोगों को लगा कि अगर हिमाचल में ऐसा हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं, जम्मू में क्यों नहीं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे साबित करते हैं कि जब भी बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की पिच पर खेलती है उसे फायदा ही होता है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के हिसाब से सीट नहीं मिलने पर बीजेपी ने आत्ममंथन किया। बीजेपी की राजनीति का केंद्र हिंदुत्व है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उठाया। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को सीधा संदेश दिया, हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए कहा। बटोगे तो कटोगे का नारा हरियाणा में बहुत पॉपुलर हुआ। योगी के साथ ही पीएम मोदी ने भी हिंदुत्व की राजनीति को नई धार दी और उनका भी जो बयान था वो लोगों तक पहुंचा, उनके दिलों तक पहुंचा। एक बार सुनिए वो बयान। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हरियाणा में बीजेपी की जीत के पीछे हिंदू एकता का कितना बड़ा हाथ था वो भी आपको बताता हूं। लोकसभा चुनाव की तरह कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा में भी जाति वाला कार्ड खेला। राहुल गांधी ने जमकर आरक्षण और जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव की तरह जातियों में बांटकर वोट लेने का फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन बीजेपी ने इसका तोड़ निकाल लिया। बीजेपी ने जातियों के बजाय हिंदुओं को एक छतरी के नीचे लाने का काम किया। बीजेपी ने राज्य की सभी जातियों को जोड़ना शुरू किया, इसमें वो छोटी जातियां भी हैं जिनकी चर्चा नहीं हुई। सैनी, कश्यप, प्रजापति, छिंदे, यादव, गडरिया, गुर्जर, वाल्मीकि, सैंसी, धानक जातियों को जोड़ा। बीजेपी के चार प्रभारियों ने ग्रास रूट लेवल पर सभी जातियों को हिंदू एकता की बात समझाई। सभी वर्गों के स्थानीय नेताओं के साथ बीजेपी ने बात की, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। बीजेपी ने उत्तर से लेकर दक्षिण हरियाणा तक सभी को साधने के लिए कैंपेन चलाया, जबकि कांग्रेस जाट प्लस मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ही करती रही। इससे कांग्रेस को यह नुकसान हुआ कि कई जाट बहुल सीटों पर भी बीजेपी को जीत मिली। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और कमियों को स्वीकार किया। कांग्रेस की तरह डिनायल मोड में नहीं गई बीजेपी, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से राय ली गई। बीजेपी ने हिंदुत्व की डोर से हरियाणा के मतदाताओं को एकजुट किया और जीत हासिल की। हरियाणा की ही तरह जम्मू में भी हिंदू एकजुट हुए तो उसका असर चुनावी नतीजों में दिखाई दिया। जम्मू में विधानसभा की 43 सीटें, जम्मू में बीजेपी ने 29 सीटें जीत ली। कश्मीर में विधानसभा की 47 सीटें हैं, कश्मीर में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। जम्मू में बीजेपी की बम बम और कश्मीर में खाता नहीं खुलने की वजह हिंदू और मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन है।
जम्मू में पीएम मोदी ने जमकर प्रचार किया था। पीएम मोदी की रैलियों का हिंदू मतदाताओं पर असर हुआ। बीजेपी ने जम्मू के लिए अलग रणनीति बनाई। जम्मू में हिंदू आबादी के बारे में आपको बताता हूं। कठुआ में हिंदू आबादी 87%, सांबा में हिंदू आबादी 86%, उधमपुर में 88%, किश्तवाड़, डोडा और राजौरी में हिंदू आबादी 35 से 45%। इन जिलों की 24 सीटों में से बीजेपी ने 22 सीटें जीती हैं। यानी हिंदू बहुल सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, मुस्लिम बहुल इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई। जम्मू के बाकी जिलों में भी हिंदुओं की ठीक ठाक आबादी है। हिंदू मतदाताओं के एकजुट होने का असर यह हुआ कि जम्मू में बीजेपी ने 29 सीटें अपने नाम कर ली। जम्मू कश्मीर में ही वैष्णो देवी विधानसभा सीट भी है, जहां बीजेपी को जीत मिली है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या में हार मिली थी, उसके बाद बीजेपी के हिंदुत्व वाले नैरेटिव को धक्का लगा था, लेकिन वैष्णो देवी सीट पर बीजेपी जीत गई और सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि कम से कम माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद तो मिला, वरना अयोध्या वालों ने तो कांड ही किया था। जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों में बीजेपी के प्रदर्शन के पीछे हिंदू और मुस्लिम वोटर्स का एकजुट हो जाना दिखता है। जम्मू में बीजेपी को 45.25% वोट मिले, लेकिन कश्मीर में बीजेपी को मात्र 2.2% वोट मिले। 90% से ज्यादा हिंदू आबादी वाली 24 सीटों में 22 सीटें बीजेपी ने जीती और 54% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिला। 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला और वोट सिर्फ 4% मिला। यानी हिसाब क्लियर है कि जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां बीजेपी को वोट नहीं मिला कश्मीर में, चाहे उसने मुसलमान कैंडिडेट ही क्यों नहीं उतारा। अच्छा, कश्मीर में इतना चेंज आने के बाद मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं किया। हमने आपको आंकड़े दिखाए हैं कि कश्मीर में इतनी शांति आई कि कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म जो है वो बढ़ा है, रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं। वो पैसा टूरिज्म से आम लोगों की जेब में गया है कश्मीर के, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं किया, बीजेपी के नाम पर वोट नहीं किया कश्मीर के मुसलमानों। जबकि लोकसभा चुनाव से अब तक इंडी गठबंधन यह नैरेटिव सेट करने में लगा रहा कि बीजेपी और संघ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इंडी गठबंधन लगातार यह ढोल पीटता रहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर इसका असर दिखा, लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजों ने इंडी गठबंधन के इस नैरेटिव को भी खत्म कर दिया कि बीजेपी और संघ में नहीं बन रही, और इसके साथ ही भविष्य के लिए भी इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव तो आरएसएस के प्लान का सिर्फ ट्रेलर है, संघ ने तो 2029 की पिक्चर भी तैयार कर ली है। इस आरएसएस की इस पिक्चर के बारे में आगे बताऊंगा, पहले देखिए आरएसएस लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ 4 महीने में कैसे हरियाणा में पूरा गेम बदलने में बीजेपी के साथ काम करती रही। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह जीत की हैट्रिक मारी है, इसके पीछे संघ की मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हरियाणा चुनाव में आज वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं। संघ की भूमिका क्या रही, कैसे संघ जमीन पर 4 महीने से काम करता रहा, अब उसके बारे में सुनिए। आरएसएस ने हरियाणा में पिछले 4 महीनों में 16,000 छोटी छोटी सभाएं की, 4 महीने में 16,000 सभाएं। 1 सितंबर को सिर्फ एक दिन में हरियाणा के सभी 22 जिलों में संघ की 22 बैठकें हुई। फिर 7 से 9 सितंबर तक हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठकें हुई। कुल 3 दिन में 90 बैठकें हुई। इस बार आरएसएस ने अपने पारंपरिक तरीके से काम शुरू किया, जिसके तहत संघ के कार्यकर्ता करीब 6,000 गांवों में घर घर पहुंचे और छोटे कस्बों में भी सार्वजनिक जगहों पर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। आरएसएस ने हरियाणा में उन तमाम सीटों का दौरा किया जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा। लोकसभा चुनाव में आरएसएस और बीजेपी के बीच तालमेल में कमी के सवाल उठे थे, लेकिन हरियाणा चुनाव में इस कमी को दुरुस्त कर लिया गया। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले संघ और बीजेपी के बीच संगठन स्तर की कई बैठकें हुई। इन बैठकों में कैंडिडेट्स के सिलेक्शन से लेकर बूथ स्तर के माइक्रो मैनेजमेंट पर मंथन किया गया। यानी कांग्रेस को जितना ईवीएम को गाली देना है वो दे सकती है, ना तो देश को फर्क पड़ रहा है ना आसपास की पॉलिटिक्स को, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस चुपचाप 4 महीने जमीन पर काम किए तब यह रिजल्ट आया। जिस इंडी गठबंधन को हरियाणा में आरएसएस के इस ग्राउंड वर्क की भनक तक नहीं लगी, उस इंडी गठबंधन के नेता बीजेपी संघ के बीच तालमेल में कमी का माहौल बनाते हैं, सोचिए। लेकिन उन्हें संघ प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों को देखना चाहिए, उनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मोहन भागवत संघ प्रमुख, उन्होंने कहा हिंदू को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा हम अगर बटे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे।
योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे वाला बयान देते हैं। अब आप पैटर्न देखिए, तीनों अगर बड़े चेहरे एक तरह का बयान दे रहे हैं तो ये सिंक्रोनाइज्ड प्रयास है हिंदुओं को जगाने का। अगर आरएसएस और बीजेपी अलग होते तो ये ना हो रहा होता। इन बयानों के जरिए संघ और बीजेपी ने मिलकर इंडी गठबंधन के जाति वाले नैरेटिव पर भी आखिरी कील ठोक दी, जिसके लिए पहले योगी फिर पीएम मोदी और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग वाले दिन खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से एकजुट होकर वोट करने की अपील की थी। सूत्रों का दावा है कि हरियाणा में चुनाव से पहले आरएसएस ने दो मोर्चों पर काम करना शुरू किया। पहला मोर्चा बीजेपी के लिए जनाधार वाले कैंडिडेट की तलाश, दूसरा मोर्चा दूसरी पार्टी से आए नेताओं और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल, तीसरा मोर्चा अग्निवीर योजना से नाराज लोगों के बीच बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार स्लोगन पॉपुलर बनाया, चौथा मोर्चा एंटी इनकम्बेंसी के असर को दूर करना और नाराज जनता को मनाना, पांचवा मोर्चा पार्टी के अंदर जिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी उनके परेशानी समझकर उसे सुलझाना। इस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है बॉस। इसके अलावा संघ ने बीजेपी की कमजोरियों का पता लगाने के लिए हरियाणा में चुनाव से पहले एक इंटरनल सर्वे भी कराया। इसके लिए बीजेपी की राज्य चुनाव समिति ने हर विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट चुनने के लिए 1 से 4 नामों का पैनल तैयार किया और इस लिस्ट को सर्वे के लिए संघ को सौंपा गया। हर विधानसभा क्षेत्र में सर्वे के बाद संघ ने बीजेपी को कई सीटों पर मौजूदा विधायकों का टिकट काटने की सलाह दी, जिनमें वो सीटें शामिल थी जिनमें बीजेपी पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उसके कैंडिडेट हारे थे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। कई जगह बीजेपी जीते भी थी, वहां पर भी कहा गया कि कैंडिडेट बदलो। बीजेपी ने संघ की सलाह को मानते हुए हरियाणा चुनाव में करीब 40% मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए। लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजे तो संघ के एक्शन प्लान का सिर्फ ट्रेलर है। संघ ने तो 2029 में भी नरेंद्र मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाने का पूरा प्लान तैयार किया हुआ है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कुछ सीटें कम होने के बाद ही संघ ने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी। हिंदुत्व की एजेंडा के साथ ही संघ ने अब ऐसी मल्टी डायमेंशनल सोच के साथ काम करना शुरू किया है और ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे इंडी गठबंधन के होश उड़ जाएंगे। संघ ने इस प्लान का ब्लूप्रिंट अगस्त के आखिर में केरल में हुई बैठक में तैयार किया। इस बैठक में हुए मंथन में तैयार पंच सिद्धांत के फॉर्मूले को अब संघ ने लागू करना शुरू कर दिया। ये पंच सिद्धांत क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। पहला सिद्धांत है हिंदू धर्म की सभी जातियों में पैठ बनाना, जाति जनगणना का समर्थन। दूसरा कुटुंब प्रबोधन, इसके जरिए 30 करोड़ परिवारों तक पहुंचना। तीसरा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जल्द लागू करवाना। चौथा संघ की छत्रछाया तले काम करेगी बीजेपी। और पांचवा संघ और सरकार बेहतर तालमेल के साथ काम करें यह प्रयास करना। संघ का यह प्लान किस तरह इंडी गठबंधन के होश उड़ा सकता है इसके लिए संघ की ताकत समझना जरूरी है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर कोई प्लान बनाता है तो उसे जमीन पर भी उतारता है। संघ की ताकत यही है कि वो जमीन पर काम करता है, चुपचाप काम करता है। आपको आरएसएस के नेटवर्क के बारे में बताता हूं जिसके जरिए संघ अपने मेगा प्लान को एग्जीक्यूट करता है। देश में हर दिन 61,000 शाखाएं लगती हैं। संघ की करीब 21,000 साप्ताहिक बैठक होती है। संघ के 12,000 विद्या भारती स्कूल चलते हैं जिसमें 32 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 27 राज्यों में गरीब बच्चों के लिए 6,000 एकल विद्यालय चल रहे हैं। आदिवासियों के लिए संघ के 10,480 स्कूल हैं जिनमें 18 लाख छात्र पढ़ते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए संघ देश के 323 जिलों के 52,000 गांवों में सेवा करता है। संघ के सेवा भारती के 5,000 हेल्थ केयर सेंटर हैं जहां जरूरतमंदों की मदद की जाती है। यानी पूरे देश में संघ का मजबूत नेटवर्क है और अपने इसी नेटवर्क के दम पर संघ ने पीएम मोदी और बीजेपी के लिए मेगा प्लान तैयार किया जिसका ट्रेलर संघ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को दिखा दिया। यह आरएसएस के एक्टिव होने का असर भी है कि हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ये कहते सुनाई दिए कि आजकल उन्हें हर जगह आरएसएस के कार्यकर्ता नजर आते। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। आजकल क्या होता है देखो मैं बताता हूं आपको। कहीं मैं सड़क पे जाता हूं मुझे 2 तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है
मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं, मैं बस देखता हूं इनको, आरएसएस। राहुल गांधी ये सोच ही नहीं पाए कि संघ के कार्यकर्ता इतना दिख क्यों रहे, वो समझ नहीं पाए हवा किस तरफ बह रही, और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है, वो देखकर भी समझ नहीं पाते कि सामने चल क्या रहा है, और बीजेपी चुपचाप काम करती है। आज जब हरियाणा में हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने नया इतिहास रचा, तो इस मौके पर दिए विजय संदेश में पीएम मोदी भी कांग्रेस को निशाने पर लेने से नहीं चुके। एक बार सुनिए पीएम ने क्या कहा। आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी दोस्तों, देश में कितने ही राज्य हैं जहां कांग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी, कहीं पर 50 साल पहले थी, कहीं पर 40 साल पहले थी, 50-50, 60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है। एक बार लोगों ने निकाल दिया, कांग्रेस को घुसने नहीं दिया। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया।